ऐसी कुछ रोड रहती हैं जिस पर घुमाना पड़ता है। यहाँ पर टू व्हीलर से फोर व्हीलर तक की यहाँ पर लाइसेंस बनते हैं जो कि तो गाइस ये मेरे पीछे जो रोड देख रहे हो ये है सीबीआई वाली फाटक, सीबीआई फाटक वाली जगतपुरा वाली। और ये मैं आ गया हूँ आईटी ऑफिस जहाँ पर लाइसेंस जारी करते हैं। तो गाइस आप जयपुर से हो और आपको आईटी ऑफिस पता नहीं है लाइसेंस कहाँ जारी करते हैं, तो गाइज यहाँ पर करते हैं लाइसेंस जारी। तो मैं आगे जा रहा हूँ, मेरा भैया गया हुआ है अंदर। तो यहाँ पर अंदर कैसे कैसे क्या करते हैं, लाइसेंस में क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या नहीं मांगते हैं और कैसे गाड़ी चलवाते हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बना रहना। यहाँ पर टू व्हीलर से फोर व्हीलर तक की यहाँ पर लाइसेंस बनते हैं जो कि यहाँ से जारी करते हैं। ट्रक के, फोर व्हीलर के, बस के, सब के यहाँ पर बनते हैं। ये देखो यहाँ पर गाड़ी चलवाते हैं। ये देखो अभी ट्रेनिंग चल रही है इधर गाड़ियों की। पहले टू व्हीलर चलवाते हैं फिर फोर व्हीलर चलवाते हैं। जिन भाइयों को फोर व्हीलर नहीं चलाना आता है वो उनको भी ट्रेनिंग देते हैं पहले, उसके बाद में फिर गाड़ी लाइसेंस जारी करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, आप किसी भी एजेंट के पास में जाते हो और आपको पूरी गारंटी देता है तो पूरी गारंटी नहीं, कोई भी नहीं देता है यहाँ पर। वो बस यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे एक दो दिन, पाँच सात दिन तक आपको, अगर जब तक आप इसमें पास नहीं हो जाते हो तब तक आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग ली जाएगी। अगर ट्रेनिंग में पास हो जाते हो तो आपका लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सामने देख रहे हो उधर, ये देखो जगतपुरा वाला ये है। अंदर चलते हैं, अंदर का सीजन दिखाते हैं, सीन दिखाते हैं। बताऊँ आपको कितनी बड़ी लाइन लग रही थी इधर, वहाँ से लेकर उधर तक। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आप लाइसेंस बनवाते हो किसी भी एजेंट से तो उसको पूरे पैसे ना देखें, क्योंकि रीज़न यह है होता है क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है और आपसे वो ऐसे बोल रहा है कि मैं 100% आपकी गारंटी लेता हूँ कि मैं आपका लाइसेंस जारी करवा दूँगा, तो गाइस उसको पैसे ना दे पहले उसको जितने पैसे में वो आपसे दे करे उसके आधे पैसे दे और आधे पैसे जारी होने के बाद में दे। ये बहुत बड़ी गलती होती है, अगर आप पैसे पहले दे देते हो तो वो आपको गाड़ी चलाने नहीं आती तो वो आपको बार बार वहाँ पर आईटी ऑफिस में बुलाएंगे और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिलाने के लिए आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे। तो गाइस ये बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। दिखा देता हूँ आपको निर्देश, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद में पढ़ भी सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको चलिए यहाँ का तो काम हो गया और अब इधर चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग दिला रहे हैं तो इसकी वीडियो दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्या करते हैं। ऐसी कुछ रोड रहती हैं इस पर घुमाना पड़ता है, ये गलत आ गया इधर और इधर चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है और फोर व्हीलर यहाँ से आगे की ओर जा रही है। कुछ इस तरह से एच बना हुआ है तो इसमें आपको पास होना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल का काम है। अगर आपको गाड़ी चलाना या नहीं आता है तो पहले सीख कर जाए और उसके बाद में गाड़ी का लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करें, नहीं तो ऐसे आपको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे। ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से बैग में लिया जाता है गाड़ी को। और यहाँ पर एक बंदा भी खड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हो वो कुछ इशारे भी नहीं कर सकता यहाँ पर, अगर वो इशारे करता है तो
तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये कैमरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि कुछ इस तरह से एच बनाना रहता है। पहले आगे लिया जाता है, फिर बैक में लिया जाता है गाड़ी को, और कुछ इस तरह से आपसे ट्रेनिंग ली जाती है। अगर इसमें पास हो जाती हो, और गाइस इसके अंदर टाइमिंग रहती है 7 मिनट की, जो कि अगर 7 मिनट के अंदर आप सब कुछ पास कर जाते हो तो आपका लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, और फिर आपको 15-20 दिन के बाद में आपको लाइसेंस घर पर जारी कर दिया जाता है। तो आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी, जिससे आपको भविष्य में कुछ इस तरह की जानकारी रहे। तो देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से फिर ब्रेक में लिया जाता है गाड़ी को, इस तरह से